इधर भागलपुर जो पुल हादसा हुआ था उसमें बिहार सरकार की कार्रवाई सामने आ रही है। इंजीनियर को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है, कंपनी को इस बाबत नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर है ये, जहां भागलपुर पुल हादसे पर अब संज्ञान लिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत किस तरीके से गरमाई थी आपको याद होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि पुल ठीक नहीं था, इसीलिए इस पुल को गिरवाया गया, लेकिन अब यहां पर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। तो 1700 करोड़ की लागत से जिस पुल का निर्माण किया जा रहा था वो 9 साल से भी अपने बनने की बांट जो रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से परसों गिरा था सभी ने देखा था। इससे पहले भी आपको बता दें कि 14 महीने पहले भी पुल का एक बड़ा हिस्सा जर्जर होकर गिर गया था। देखिए तस्वीरें लगातार उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पुल किस तरीके से गंगा में समा गया और गंगा में इसकी समाधि हो गई। तो बड़ा हिस्सा इस पुल का। बड़ी बात यह है कि इसे सीएम का नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरीके से जल समाधि ले लिया ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1700 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण काम किया जा रहा था और जब सवाल पूछे गए विपक्ष की ओर से मीडिया की ओर से तब आपको बता दें सरकार कहती नजर आई कि इसकी जांच की जाएगी।